नमस्कार बंधु बंधु, आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और जितने भी लेसन्स आपको स्टडी मटेरियल्स में प्रोवाइड किए गए हैं आप उसे एक एक करके टाइमली ख़त्म करते हुए चले जा रहे होंगे। सिर्फ ख़त्म करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आप कितना अच्छी तरह से उन सबको ख़त्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं, यह मैटर करता है, यह महत्व रखता है। फ्रेंड, हम लोग पिछले लेसन में क्या सीखा था? नाउन से रिलेटेड हम लोग डिटेल में स्टडी किए हुए थे, उसकी परिभाषा के बारे में डिटेल में स्टडी किए हुए थे कि नाउन होता क्या है, नाउन की पहचान आप कैसे करेंगे, हमने सीखा था। छोटा सा रिवीजन यदि हम लोग कर लें तो अच्छा होगा। नाउन कहते किसे? हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ जो परसीव करती है, जो समझती है, जिस चीज़ को फील करती है, वह हमारा नाउन हुआ। ठीक है, आँखें हमारा एक ज्ञानेंद्रिया है। ठीक है, वो क्या परसीव करती है? वो किसी चीज़ को देखने को परसीव करती है। जो चीज़ को वो परसीव करती है वो तमाम तरह की चीज़ें हमारे नाउन होंगे। नाक जिस चीज़ को परसीव करेगा वो नाउन होगा, जीभ जिस तरह जिस चीज़ को परसीव करेगा वो भी नाउन होगा, कान जिस तरह की चीज़ों को वो परसीव करेगा वो नाउन होगा, हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो जिस चीज़ को परसीव करेगा, हवा का बहना, ठंडी हवा चल रही है तो हमारी स्किन परसीव करेगा, उस चीज़ को फील करेगा, सेंस करेगा, वो नाउन हो जाएगा, हवा नाउन हो जाएगा, ठंडी हवा लगा दें या गर्म हवा लगा दें, ओके, तो ये सब सारे हमारे नाउन्स हो जाएंगे। साथ ही साथ वे सभी तरह के नाउन्स होंगे। यदि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिया परसीव करती है उसका वो इनहेरेंट क्वालिटी हो, इनहेरेंट क्वालिटी किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में अंतर्निहित, अंतर्निहित जो क्वालिटी होगी वो भी हमारा नाउन होगा। अब जस्ट एक एग्जाम्पल ले ले, एक हार्ड चीज़ है, ओके, उस हार्ड चीज़ के अंदर उसका कौन सा क्वालिटी छुपा हुआ है? व्हाट इज़ द हिडन क्वालिटी? व्हाट इज़ द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ दैट हार्ड मटेरियल? इट्स अ हार्डनेस, उसकी क्या है? कठोरता है। तो कठोरता वहाँ पर नाउन हो जाएगा। एक सुंदर सी स्त्री के अंदर उसकी कौन सी इनहेरेंट क्वालिटी है? हर ब्यूटी, ओके, तो ब्यूटी हमारा नाउन हो जाएगा, वहाँ पे सुंदरता नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आशा करते हैं आप एक बार रिवीजन इसे कर लिए होंगे। अगर आपको कुछ पिछले लेसन में कन्फ्यूजन हुई होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज़ और सीखा था पिछले लेसन में, वो क्या था? नाउन की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग नाउन की पहचान उस शब्दों के, जो शब्द की पहचान हम करना चाहते हैं उस शब्द का प्लेसमेंट को देख करके उसकी पहचान करेंगे। हम पहचान करेंगे कि किस उस पर्टिकुलर स्थान पर उस शब्द का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर जो स्थान है उसको निर्धारित जो किया गया है वो किस चीज़ का स्थान है, वो नाउन का स्थान है या प्रनाउन का स्थान है या एडजेक्टिव का स्थान है या एडवर्ब का स्थान है या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का स्थान है, उसके अनुसार आपको पकड़ने पड़ेंगे। ओके, तो नाउन का भी अपना एक जगह निर्धारित है, वह एज अ सब्जेक्ट प्रयुक्त हो सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो सकते हैं। ओके, वह का के की बाद प्रयुक्त तो होंगे, उसका, उसके, उसकी, इसका, इसके, इसके, हैं, उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों की, राहुल का, राहुल के, राहुल की, जितना भी शब्द आप इस तरह का प्रयोग करते हैं जिसमें का के की आ रहा है तो उसके बाद आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राहुल का के बाद आप जो भी चीज़ें लगाइए आप देखिएगा वह हर हालत में वह नाउन ही होगा। राहुल का घर, राहुल का मोबाइल, ओके, राहुल का नॉलेज, राहुल का माउस, राहुल का चेहरा, जितने भी तरह के जो का के बाद आप शब्द लगा रहे हैं ये सब सारे के सारे आपके नाउन से ही होंगे। क्लियर? तो पहला स्थान आप लोगों ने सीखा कि जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, हाँ, या उसको हम लोग कहेंगे जस्ट उसको आधिकारिक विशेषण कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इतने ही हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स है। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद आप कुछ भी लगाइए, देखिएगा आपका नाउन ही आएगा, दूसरा चीज़ नहीं आ सकता है।
तो पहला आपने प्लेसमेंट को जाना, ठीक है, आपने उदाहरण भी जान लिया कि माई नॉलेज माई हाउस, तो माई के बाद या हिज के बाद आप लगाए हिज फेयरनेस, उसका गोरापन, ठीक है, तो फेयरनेस वहाँ पर नाउन हुआ, हाउस नाउन हुआ, तो देख देख पा रहे हैं कि काके के बाद आपका नाउन आ रहा है। दूसरा क्या प्लेसमेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा है कि एज अ सब्जेक्ट आप नाउन का प्रयोग करेंगे, है ना, जैसे राहुल इज माई ब्रदर, यहाँ पर माई ब्रदर है कौन, कौन से हम लोग सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, है ना, मेरा भाई है कौन, राहुल है, तो राहुल हमारा क्या है वहाँ पर नाउन है, और कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वह सब्जेक्ट की जगह पर प्रयुक्त हुआ, इसलिए वह हमारा नाउन है, ठीक है। राहुल आम खाता है, राहुल ये नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर भी प्रयुक्त होते हैं, खाता है कौन, राहुल, राहुल खाता है क्या, क्या से हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, तो राहुल खाता है क्या, आम, तो आम हमारा ऑब्जेक्ट है और आम को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों से हम लोग परसीव कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, वो हमारा नाउन हुआ, क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीन प्लेसमेंट्स सीखा। सबसे पहला क्या कि एज अ सब्जेक्ट हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट प्रयोग कर सकते हैं नाउन का, और काके के बाद जितने भी तरह के शब्द होंगे वे सब सारे हमारे नाउन होंगे। चौथा एक महत्वपूर्ण बात आप जान लें कि आप जितने भी आप वर्ब्स इस्तेमाल करेंगी उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन काके के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं तो वे हमारे नाउन होंगे, वे जेरंड कहलाएंगे, ठीक है, जैसे माई गोइंग, मेरा जाना, तो जो जाना हुआ गोइंग वो हमारा नाउन हुआ, लेकिन ये प्योर नाउन नहीं कहलाएगा, यह कैसा नाउन कहलाएगा, यह जेरेंडियल नाउन कहलाएगा, यह जेरेंड है, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए भी आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगाते हैं और जेरेंड में भी हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर है, लेकिन हम लोग ये जो अंतर है दोनों में क्या अंतर है और कहाँ कहाँ पर इन दोनों का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, वे हम लोग उन सब को हम लोग अगले लेसन में करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपने देखा चार जगहों पर आप कैसे नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, पांचवा कौन सा जगह हो सकता है, कोई भी प्रेपोजिशन के बाद आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आई एम विथ फादर, ओके, विथ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, विथ के बाद फादर क्या आ रहा है, वो हमारा नाउन है, फादर है ना, उनको देख सकते हैं, वो एक शख्स का नाम है, उनको उस नाम से अभिहित किया जाता है, फादर, पिताजी, ठीक है। आप दूसरा एक उदाहरण लेकर के चले, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ऑफ क्या है इस सेंटेंस में, प्रेपोजिशन है, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, डॉग्स आ रहा है, डॉग्स क्या है, आपका नाउन है क्योंकि कुत्ते को आप देख सकते हैं, ठीक है। आई एम विथ नॉलेज, आई एम विदाउट नॉलेज, विथ क्या है, प्रेपोजिशन है, विदाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, यहाँ पर विद के बाद क्या आप लगा रहे हैं, नॉलेज लगा रहे हैं, नो नहीं लगा रहे हैं, नो क्या है, वर्ब है, नॉलेज हमारा नाउन है, ठीक है, तो नो यदि लगा हुआ रहेगा एग्जाम में प्रीपोजिशन के बाद तो फिर वो गलत हो जाएगा, आई एम विथ नॉलेज मतलब मेरे पास ज्ञान है, आई एम विदाउट नॉलेज मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो नॉलेज वहाँ पर आप यहाँ पर एक तरह से आप प्रूव कर पा रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी प्रीपोजिशंस होंगे उसके बाद आप क्या लगाएंगे, आप नाउन लगा सकते हैं। अगर हम लोग वर्ब लगाना चाह रहे हैं उसके बाद, तो उसके बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आ सकता है नहीं तो जेरंड आ सकता है, जेरंड भी तो एक तरह का नाउन हुआ ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पांच जगहों पर नाउन लगाने का काम किया, ठीक है, कहाँ कहाँ, जितनी भी पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद हम लोग नाउन लगा सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट लगा सकते हैं नाउन को, एज एन ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं नाउन को, हम लोग प्रेपोजिशन के बाद लगा सकते हैं, हम लोग अगर जेरंड अगर है तो जेरंड भी लगा सकते हैं हम लोग, एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट हम लोग जेरंड का कैसे प्रयोग करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट हम लोग जेरंड का कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखा हुआ चीज़ ही विश्वसनीय होता है, इसका तो यही मतलब होता है ना, यहाँ सीइंग होता है क्या, बिलीविंग, विश्वसनीय, तो बिलीविंग क्या का जवाब है, इस कारण से वो ऑब्जेक्ट है, विश्वसनीय है कौन, कौन से हम लोग सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, कौन विश्वसनीय है, देखना, तो सीइंग है ना, एज अ सब्जेक्ट प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, इस कारण से उसमें आईएनजी फॉर्म देना जरूरी है। जैसे आप दूसरा एक एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज,
एक अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है, कौन? वॉकिंग। आप वॉक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर वॉकिंग लगाना पड़ेगा क्योंकि वह एक जेरंड है और एज ए सब्जेक्ट आपको जेरंड का फॉर्म ही आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप इस लेसन में सीखा है ना, क्या सीखा कि नाउन को आप कहाँ कहाँ रखेंगे ताकि वो गलत नहीं हो। ओके, हम लोग अगले लेसन में जानेंगे कि नाउन नंबर्स के बारे में, ठीक है? उसमें हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्रयुक्त हो जाते हैं प्लुरल। ओके, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लुरल होते हैं तो लेकिन यूज़ हो जाते हैं सिंगुलरली। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन सिंगुलरली और प्लुरली दोनों तरह से प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लुरल होते हैं लेकिन सिंगुलरली और प्लुरली दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन उसका प्लुरल फॉर्म जब हम लोग दे देते हैं तब उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लुरल फॉर्म होता ही नहीं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है ना, कंफ्यूजिंग है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके? ताकि आपका आपके एग्जाम्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स अगर नाउन्स चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाए तो आप उसको छोड़ करके ना आ जाए, आप यह नहीं कहें कि मुझे समझ में नहीं आया। मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।